आपका नाम क्या है और कब आप भारत में आए थे यहाँ पर सर? मैं भागवंती सोलंकी हूँ, मैं पाकिस्तान से मुझे आए हुए 10 साल हो गए। मैं इस उम्मीद में से आई थी कि आप मुझे इंडिया में कुछ करने का मौका मिलेगा, कुछ हमें रहने का मौका मिलेगा, वो हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। नागरिकता की जो हमारी सोच थी वो हमने सोचा मिलेगी नहीं, पर उम्मीद मोदी से तो थी, हमें मिल गई नागरिकता। मोदी जी का धन्यवाद, और उसी खुशी के मारे आज हम जश्न मना रहे हैं। सीए के विरोध में इतने समय से चीज़ें हो रही थी, उसके बाद इसका पास होना कैसा महसूस करता है? बहुत खुशी हो रही है, हमें पास अगर हुआ है तो जैसे कई सालों का सपना था वो सपना पूरा हो गया भारत का। एक बार ये अपना नाम बताओ। मेरा नाम अमर कली है, मैं 9th C में पढ़ती हूँ। कैसा लग रहा है सीए कानून पास हो गया, किस तरीके का महसूस हो रहा है इस टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ पे आके हमें जो भी सहायता मिलनी चाहिए थी वो हमें सब मिली है। थैंक यू मोदी जी, हमें अच्छा लगा कि आपने हमें नागरिकता दे दी। कितनी उम्मीदें थी आपको इस कानून के पास होने की इससे पहले? बहुत सारी थी, बट हो गए हमारी सारी पूरी। खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुशी हो रही है हमें। पिछले समय में 15-20, मेरा नाम उधोमल है भैया, पाकिस्तान से आए हुए हम। कब आए थे पाकिस्तान? 2013 में आए थे भैया पाकिस्तान से। अब सीए लागू कर दिया गया है, जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए आपको मिलेगी। हम तो इतनी खुशी है हमको, हम तो फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन हमारे मन की बात एक है, हम आए हैं 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमने भली भांति देखा है। हमारे पीएम, हमारे देश से भारत देश के पीएम है जो राजा है, उनको मैं एक बार नहीं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। उनके विचारों को, उनके संयमों को, उनके विवेक को, उनकी वाणी को, उनकी बुद्धि को मैं बारंबार नमन करता हूँ, क्योंकि अपने स्वार्थ से अलग होकर हानि लाभ सुख दुख जय पराजय अंधकार प्रकाश से ऊपर उठकर देश हित में लोक कल्याण के हित में लगातार रात दिन वो केवल कर्म कर रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं। हम रहे ना रहे भारत की संस्कृत सदी बनी रहे। सीए कानून की जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है, किस तरीके से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जश्न मना रहे हैं? देखिए, इतने लंबे अंतराल के बाद लोगों को जब ये पता चले, जो खासकर पाकिस्तान से इतनी यातनाएं झेलकर यहाँ पे आए हैं और ऐसी ऐसी स्थितियों में इन्होंने समय पास किया यहाँ पर, ये जो काम करते हैं इनके साथ वही जान सकते हैं, और ऐसी स्थिति में इनको इतना अच्छा तोहफा मिले कि ये यहाँ के नागरिक बने, यहाँ की जो योजनाएं हैं वो इन पर लागू हों, जो यहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ इनको मिल सके, तो इससे अच्छा तोहफा तो इनके लिए और कुछ नहीं।